तो क्या हाल है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज तक का सबसे पावरफुल और सबसे महंगा पीसी दिखाने वाला हूँ। सबसे महंगा मतलब सबसे महंगा, और ये गेमिंग पीसी होने वाला है। दो कैटेगरीज आती है महंगी सीरीज में, एक आता है वर्क स्टेशन, एक होता है गेमिंग पीसी। तो गेमिंग पीसी की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि गेमिंग पीसी के सेगमेंट में सबसे महंगा होने वाला है। 5 लाख तक ये बिल्ड पहुँचेगा अपना, और जो वर्क स्टेशन होता है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो 14 लाख तक भी जाते हैं। लेकिन हम लोग गेमिंग पीसी की बात कर रहे हैं, तो इस पीसी की कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर किसी को भी अपने लिए पीसी चाहिए या फिर बिल्ड करवाना है, तो फिर यहाँ पे नंबर आ रहा है विच इज़ 9821013733। आप लोग यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हमारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स चेक करने हैं, तो यहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को प्रीबिल्ट ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट है विच इज़ PCDevelopers.in। 9000 से लेके यहाँ पे हमने 3.5 लाख तक के पीसी अपलोड कर दिए, आप लोग यहाँ से जाके डायरेक्ट ले सकते हैं। बात की जाए अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो उससे पहले एक बहुत ही फन फैक्ट बता दूँ, इसमें सबसे सस्ती चीज़ लगी है जो कि 8000 रुपये में कीबोर्ड माउस, 8000 रुपये का कीबोर्ड माउस मैकेनिकल, इतने में भी हम लोग CPU दे देते हैं, तो इतने का तो इसका कीबोर्ड माउस है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि इसके पार्ट्स कितने महंगे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन जान लेना, लेकिन उससे पहले बता दूँ ये कहाँ कहाँ काम आएगा। आप लोग इस पर 8K गेमिंग कर सकते हो, 8K एडिटिंग कर सकते हो, इससे ऊपर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि 8K गेमिंग आप लोग समझ रहे हो क्या ही चीज़ होती है, आसान नहीं है 8K। और उसके लिए हमें 8K मॉनिटर भी चाहिए होगा, तो 8K मॉनिटर भी इसमें इंक्लूडेड है। जितने का मॉनिटर है उतने में अच्छा खासा एक कंप्लीट सेटअप बन जाता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पे सब फ्लैश होता रहेगा, आप लोग यहाँ पे उसकी इमेज और यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। तो बात की जाए अगर प्रोसेसर की, तो वो रहने वाला है इंटेल का i9 12900K। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, एकदम टॉप ऑफ द लाइन, इससे ऊपर कुछ नहीं है। 56000 रुपीज़ का ओनली प्रोसेसर है भाई। इतने में कंप्लीट बिल्ड बना देते हैं हम लोग, चाहिए हो कॉन्टैक्ट कर लेना PCDevelopers के नंबर पे। मदरबोर्ड की बात की जाए, Aorus Master Z690, एकदम टॉप ऑफ द लाइन। हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज़ किए, कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं कि छोटा हो या कॉम्प्रोमाइज किया हो, सब एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, एकदम जिससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। ये मदरबोर्ड अकेला आपको 46500 का पड़ेगा। बात की जाए अगर रैम की, तो रैम भी सुन लो, यहाँ पे DDR5 रैम यूज़ की गई है, DDR4 नहीं है, DDR5 Aorus मेमोरी की तरफ से आने वाली 32GB की रैम, 16 की 2 स्टिक्स, और वो भी 5200 MHz की, 5200 MHz की रैम रहने वाली है। ये अकेली रैम आपको 25700 की पड़ेगी, इतने में भी ये कंप्लीट बिल्ड हम लोग बना देते हैं। तो 25700 में आपको अकेली रैम मिल रही है 32GB की। ये रैम हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले, देखो जो लोग कहेंगे कि 4-5 लाख का बिल्ड है लेकिन 32GB रैम, रैम कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। ये जो क्वालिटी है 64GB को मार देगी आराम से। आप लोगों का बजट है चाहो तो और 25000 लगा के 50000 में आप 64GB रैम कर लेना, आपके ऊपर है। SSD की बात की जाए तो Aorus Gen 4 SSD 7000S, ये SSD रहने वाली है 1TB की। 7000S मतलब 7000 Mbps इसकी राइट और रीड स्पीड है। स्पीड आप लोग सोच लो क्या, एकदम आतंक है एकदम। इसका जो प्राइस है 16000 रुपये की SSD है NVMe, मात्र 16000 रुपये में इतनी बड़ी SSD आपको मिल रही है, अभी ऑफर में है ये। अभी हार्ड डिस्क की बात की जाए तो 4TB की Seagate 12-72700 RPM वाली मिलने वाली है 8200 रुपीज़ की। 4TB की हार्ड डिस्क है, 1TB की SSD है, बोल रहा हूँ ना एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, 5TB की टोटल स्टोरेज है इसमें। पावर सप्लाई की बात की जाए तो इतना हैवी इसमें सिस्टम लगा हुआ है, इसके लिए हैवी पावर सप्लाई चाहिए, तो वो रहने वाली है ASUS ROG स्ट्रिक्स 1000 वॉट 80+ गोल्ड, 17000 की सिर्फ पावर सप्लाई है ये। 17000 में भी एक पीसी बन जाता है अच्छा खासा, इतने की पावर सप्लाई है। बात की जाए कैबिनेट की, तो कैबिनेट यहाँ पे आतंक है एकदम, कैबिनेट नेक्स्ट लेवल, देखा नहीं होगा। कूवर की तरफ से आने वाला Conquer 2 ये कैबिनेट आ रहा है, इतना नेक्स्ट लेवल कैबिनेट है, और इसका वजन इतना ज़्यादा है आप लोग उठा नहीं पाओगे आराम से, 2 आदमी चाहिए आपको उठाने के लिए, और बहुत बड़ा है, फोटो में छोटा दिख रहा है। कम से कम ये टेबल का आपका बेस है, ये इतना ऊंचा पीसी है कम से कम भी। इसका जो प्राइस है 25800 रुपये मात्र कैबिनेट का है, सिर्फ कैबिनेट 25800 में, इतने में पूरा एक सिस्टम बन जाता है।
ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो वो बहुत रेयर, अल्ट्रा रेयर कह सकते हो आप इसे, और बहुत पावरफुल, कुछ नहीं है इससे ऊपर। अभी 40 सीरीज आ गई है पता है, लेकिन ये 30 सीरीज में टॉप ऑफ द लाइन है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, ओवरक्लॉक्ड है ये। ये रहने वाला है ऑरस गेमिंग की तरफ से RTX 3090 OC। OC मतलब इसमें एक स्विच आता है जिसको आप ऑन कर दोगे तो ये ओवरक्लॉक हो जाएगा, परफॉर्मेंस इसकी डबल से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वही ये पावर ज़्यादा उठाता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए कूलर अच्छा होना चाहिए। बात की जाए अगर इसके प्राइसिंग की तो 160,000 रुपये का ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड आ रहा है। 160,000 रुपये में इतना बढ़िया बिल्ड बना देंगे हम लोग कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। कॉन्टैक्ट कर लेना, बार बार प्रमोशन कर रहा हूँ। लिक्विड कूलर की बात की जाए, ऑरस वाटर फोर्स X360 बहुत ही नेक्स्ट लेवल लिक्विड कूलर है, और ये 20,000 रुपये, टू बी एग्जैक्ट 19,800 रुपीज़ का लिक्विड कूलर है सिर्फ। सारी चीज़ें आप लोग ऐसे ध्यान दे रहे होगे कि ऑरस की तरफ से ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है। ऑरस बहुत ही अच्छा ब्रांड है इसलिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ, और ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें हैं जिसमें ऑरस का नाम सबसे टॉप पे आया, तो इसको हम लोग इसीलिए यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। बात की जाए, ये तो हमारा चलो पूरा CPU बिल्ड हो गया, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, SSD, हार्ड डिस्क, PSU, कैबिनेट, ग्राफिक कार्ड, लिक्विड कूलर, सब हो गया कि ये अपना CPU बन चुका है। अब भाई 8K गेमिंग करनी है हमें, ऐसे कोई भी मॉनिटर उठा के तो लगा नहीं सकते कि 5,000-10,000 का मॉनिटर लगा दिया, 19 इंच 24 इंच, कुछ नहीं होगा भाई। मैं बता रहा हूँ इसमें जो मॉनिटर लगेगा गीगाबाइट की तरफ से आता है M28U गेमिंग मॉनिटर, 27 इंच का मॉनिटर है, 27.5 टू बी एग्जैक्ट, और इसकी प्राइसिंग सुन के पागल हो जाओगे, 62,000 रुपीज का खाली मॉनिटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 8K मॉनिटर है, इसमें 8K गेमिंग होगी बहुत आराम से, 150 FPS प्लस पे, 150+ FPS बहुत प्यार से निकालेगा 8K पे, तो 4K पे तो आप सोच ही लो क्या देगा, और अगर 1080p पे कर दिया तो आतंक है, समझ ही नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे इतनी FPS दे देगा ये। बात की जाए, अब भाई मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड भी तो चाहिए होगा, कीबोर्ड माउस के बिना कैसे करोगे, वॉइस कंट्रोल तो है नहीं। कीबोर्ड माउस इसका रहने वाला है कॉर्सेयर K60 Pro, मैकेनिकल कीबोर्ड है ये, इसके साथ में माउस भी आता है, जो कि आपको 8,000 रुपये में मिल जाएगा। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, 8,000 रुपये खाली कीबोर्ड है इसका, इतने में एक CPU बन जाता है एट PC डेवलपर्स ओनली। अब इतनी भारी चीज़ हमारी बन गई है, अब इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे PC की भी सर्विसिंग होती है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब। PC में धूल जम जाती है, प्रोसेसर में थर्मल पेस्ट खत्म हो जाता है, साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है, कोई मालवेयर आया उसको ठीक करना होता है। आप में से बहुत लोग PC तो ले लेते हो लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं करते, सर्विसिंग इनकी भी होती है जैसे आप लोग अपनी गाड़ी बाइकों की करते हो, इसकी भी ज़रूरी होती है। इसका जो सर्विस पैकेज आएगा, फ्रॉम PC डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों का रेट मुझे नहीं पता, वो लोग बहुत हाई रेट पर रखते हैं। इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो 4 सर्विसेज की होगी every 3 months। अगर ये आप हमसे लेते हो तो हमारा एक लड़का जाएगा, हर 3 महीने पे एक सर्विस होगी, वो प्रॉपर आपको सर्विस करके ये दे देगा, जो कि आपकी 12,000 रुपये का पूरा पैकेज है। 12,000 में पूरा PC जो है 1 साल तक सर्विस होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी 1 साल की गारंटी हमारी तरफ से है, और 3 साल से 5 साल के बीच में एज पर द कॉम्पोनेंट्स ये आपको वारंटी मिलने वाली है। टोटल प्राइसिंग की बात की जाए, अब आता है मेन मज़ा, टोटल प्राइस इसका जो होता है 4,55,400 रुपये, 4,55,400 रुपीज़, 4.5 लाख रुपये से ऊपर जा रहा है। बट एट PC डेवलपर्स द कॉस्ट इज 4,50,000 ओनली। कोई भी अगर हमसे लेता है तो 4,50,000 रुपये में ये पूरा PC उसके घर पे इज्जत सहित पहुंचा दिया जाएगा। कैसे ऑर्डर करना है उसकी बात कर ली जाए, या उससे पहले बता दें इसमें हम लोग देंगे क्या क्या, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब तो मिल रहा है, सॉफ्टवेयर्स भी आपको सारे दिए जाएंगे, विंडोज़ 11 प्रो इसमें डाल के दी जाएगी एक्टिवेटेड फुल्ली, और कोई भी यहाँ पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए आप बता देना, लिस्ट भेज देना, हम लोग डाल के आपको देंगे, गेम वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। बात की जाए ये ऑर्डर कैसे करना है, तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 9821010173, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी जाके DM कर सकते हैं आप लोग, वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट पे भी जाके आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, ये तो चलो एक बहुत महंगे PC होगी, नेक्स्ट वीडियो आज तक के सबसे सस्ते PC की बनाने वाला हूँ। अगर मैं सबसे महंगा PC बनाया हूँ जो कि 4.5 लाख का है, तो इतना समझ लो सबसे सस्ता PC भी आतंक बना चाहता हूँ एकदम। बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।